नमस्कार, मैं हूं पारुल डेविड और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद के मोदीनगर भोजपुर थाना क्षेत्र कलशीना गांव में अवैध रूप से चलाई जा रही कपड़ा रंगाई की फैक्ट्री में बॉयलर फट जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कमान संभाली और घायलों को स्थानीय अस्पताल में भिजवाया जा रहा है। सर, कलशीना में क्या घटना हुई है, क्या मामला है पूरा? ये एक सूचना मिली थी कि थाना भोजपुर क्षेत्र में एक गांव में एक जो कपड़े रंगाई का काम किसी घर में चल रहा था, वहीं पर जो बॉयलर होते हैं वो बॉयलर फटने की वजह से उसकी जो ऊपर टीन शेड लगी हुई थी जहां पर वो बॉयलर था, तो वो टीन शेड की वजह से एक महिला उससे घायल हुई है और एक बॉयलर फटा। तो महिला ज़्यादा घायल नहीं है जितनी सूचना हमको मिली है, उसका इलाज चल रहा है अभी, उसको भी वापस लेके आ रहे हैं। उसके हल्की सिर पर चोट है और बाकी स्थिति ठीक है। इसमें सर कुछ आदमी भी हुए हैं घायल? नहीं, इसमें और कोई सूचना नहीं है, सिर्फ एक महिला के घायल होने की सूचना थी, वो भी ठीक है और उसका इलाज जो प्राथमिक उपचार था उसको दिया जा चुका है। क्या ये अवैध फैक्ट्री थी? हाँ, इसमें जो जानकारी इसमें की जा रही है कि ये किस तरह से चल रही थी और इसमें जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, इसको हम चेक करवा रहे हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट से ही बात कर रहे हैं। गाजियाबाद विजयनगर थाना क्षेत्र में विगत दिवस एक घर में परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर लूट की घटना को अंजाम देने के मामले में पुलिस की जांच में परिवार की दो महिला और एक सुनार को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने सुनार के कब्जे से लूटा गया जेवर भी बरामद कर लिया है। देखिए, 22 तारीख को थाना विजयनगर में यह सूचना मिली कि एक महोदय अपने बड़े बेटे के साथ बाहर गए हुए थे, तभी उनकी जो बड़ी बेटे की बहू है उनको दो लोग आए, उनको जहर खिलाया और उनके यहाँ से काफ़ी नकदी और ज्वेलरी चोरी करके ले गए। इसी पे मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया 328-380 की धारा में। उसके बाद पुलिस ने इसमें विवेचना चालू करी। विवेचना चालू करने के बाद हम लोग को ये पता लगा सर्विलेंस टीम के हेल्प से और साथ ही साथ मैनुअल इंटेलिजेंस की हेल्प से कि ये जो घटना बता रहे हैं थोड़ी संदिग्ध लग रही थी, पुलिस को प्रतीत हो रही थी। और जानकारी के बाद पता लगा कि जो इनकी बड़ी बहू है इन्होंने यह पूरा प्लान करा था अपनी माताजी के साथ और अपने एक अंकल हैं जिनका नाम विनोद था उनके साथ मिलकर ये प्लान करा था। ये जो बड़ी बहू थी इनकी हाथरस की रहने वाली थी, इन्होंने ये प्लान करा था कि जब मेरे देवर और मेरे पति और मेरे ससुर जब यहाँ से चले जाएंगे तब मैं आप लोग को बुलाऊंगी और इसी बीच मैं बेहोशी का नाटक करूंगी और ये नाटक करूंगी कि यहाँ पे हम लोग को जहर खिला के पैसा हमसे दो लोग आके यहाँ पे लूट ले गए। इसी क्रम में जब पुलिस गई हाथरस पहुँची तो उन लोगों ने बरामदगी करी और इसमें एक सुनार भी पकड़े गए हैं, एक पुरुष पकड़े गए हैं और साथ में इनकी सास माँ सासू जो इनकी मदर थी बड़ी बहू की वो भी पकड़ी गई हैं। गाजियाबाद कौशाम्बी स्थित एंजल मॉल में चल रहे बिलिंग कैफे रेस्टोरेंट में अवैध रूप से पिलाई जा रही शराब को लेकर आबकारी विभाग और पुलिस का छापा, चार लोगों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब बरामद। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया गाजियाबाद केंद्र सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल बढ़ाए गए रेटों व बढ़ती हुई महंगाई तथा किसानों की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर एक ज्ञापन मोदीनगर तहसील पर प्रधानमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी मोदीनगर को दिया गया और आशा की गई कि उप जिलाधिकारी महोदय अपनी प्रबल संतति के साथ प्रधानमंत्री को भेजने का कष्ट करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह, प्रमुख महासचिव विनोद धामिया, जिला महासचिव बुद्ध प्रकाश त्यागी, विपिन चौधरी, विश्व चौधरी आदि लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। आप सभी तहसील पर आए, क्या किस वजह से आए? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री शिवपाल सिंह जी के आह्वान पर जो केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए गैस डीजल पेट्रोल के दाम है और बकाया गन्ने के भुगतान के लिए हम लोग एक मांग पत्र प्रधानमंत्री जी के नाम सौंपने आए हैं। आज हम लोग गैस सिलेंडर और गन्ने के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इसका तत्काल जो है निवारण किया जाए। गन्ने का आज तक रेट तय नहीं हुआ है, पिछले ही रेटों को मानकर गन्ने का पेमेंट किया जा रहा है और एक साल का यहाँ बकाया पेमेंट है और जहाँ तक है उर्वरकों के दाम बढ़ गए हैं, कीटनाशक दवाएं महंगी हो गई है, किसान त्राही त्राही कर रहा है। तीन काले कानून केंद्र सरकार ने
बिना किसानों की अनुमति, बिना किसानों के संगठन के चर्चा, अपोषण से कोई चर्चा पार्लियामेंट में नहीं करी और उसको लाने का काम किया है। उसके विरोध में किसान अपनी जायज मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए दिल्ली बॉर्डर पर, और लगभग 200 की कैजुअल्टी हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार सुनने को कोई तैयार नहीं है। आखिर ये है क्या? आखिर ये किसान विरोधी सरकार कैसे चल रही है, जबकि यहाँ किसानों ने भी, व्यापारियों ने भी, यहाँ के लोगों ने इस आशय से इसको सरकार को बनाया कि ये जनहित के काम करेगी, राम राज्य लाएगी, करप भ्रष्टाचार को खत्म करेगी, लेकिन इसके विपरीत काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का आज विरोध प्रदर्शन है, हम ज्ञापन दे रहे हैं, एसडीएम साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, वो प्रबल संतुति के साथ इसको प्रधानमंत्री जी को भेजने का करते हैं। झांसी नवाबाद थाना क्षेत्र में एक युवक घर के बाहर फायरिंग करता नजर आ रहा है। फायरिंग का फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। थाना नवाबाद पुलिस इस वीडियो को लेकर छानबीन कर रही है। गाजियाबाद थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा 5 अंतर जनपदीय लुटेरे गिरफ्तार। कब्जे से लूट की 2 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल फोन, 3 अवैध तमंचे, 5 कारतूस तथा 2 अदद चाकू बरामद। गाजियाबाद के मसूरी इलाके से 2 बच्चों का हुआ था किडनैप। आरोपी बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा रहे थे। सीसीटीवी में कैद हुई अपहरण की सनसनीखेज घटना। एसएसपी गाजियाबाद ने तत्काल चलाया चेकिंग अभियान। बच्चों के किडनैप के बाद सक्रिय हुए एसएसपी गाजियाबाद। पुलिस की सक्रियता के बाद दोनों बच्चे बरामद। संभल के सिंहपुर सहित अन्य तमाम गांव में घर घर चिपक रहे भाजपा मुक्त घर के नाम से स्टिकर। किसान समर्थन में लगाए जा रहे हैं स्टिकर। गाजियाबाद के मोदी नगर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ईंट भट्टे निर्माता संघ के तत्वाधान में आर्यन रिजॉर्ट में आयोजित सम्मान समारोह व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने अपने विचार रखे। हालांकि कार्यक्रम सम्मान समारोह का था, लेकिन डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने अपना संबोधन कृषि बिलों से शुरू किया। उन्होंने किसी राजनीतिक नेता का नाम लिए बिना ही कहा कि जिनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है, वे अपने भविष्य को जिंदा करने के लिए किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश सिंगल, पूर्व दर्जा प्राप्त राम किशोर अग्रवाल, अशोक महेश्वरी चेयरमैन, सत्येंद्र त्यागी, पुष्पेंद्र रावत, मुकेश गर्ग, नीरज त्यागी, रोहित अग्रवाल, ललित त्यागी, पूर्व प्रधान सुरमेश शर्मा सहित अनेकों लोग मौजूद थे और संचालन भाजपा नेता डॉक्टर पवन सिंगल ने किया। मैं पूरे सांसद, पूर्व राज्य मंत्री और गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलाधिपति आदरणीय डॉक्टर सतपाल संत, जनता की सेवा में तत्पर रहने वाले आदरणीय डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय दिनेश सिंगल जी, हमारे नगर पालिका मोदी नगर के चेयरमैन आदरणीय भाई अशोक महेश्वरी जी। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।